स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जैसा कि आपको बताते चले, जहां प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, इसी क्रम में देवरिया जनपद में सरकार के आदेशों अधिकारियों के निर्देशों को भूमाफिया ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला देवरिया जनपद के पीपरपाती ग्राम सभा का है। प्रधान प्रतिनिधि के सहयोग से भूमाफियाओं द्वारा काश्तकारों की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है, जो कि पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में वादी क्या कहता है। सर, मामला यही है, हमारा मुकदमा कई वर्षों से चल रहा है और 1988 में फर्जी आदेश करा लिए हैं लोग, जो कि हमारे बाप दादा ने बैनामा नहीं किया है। यहाँ मिली भगत, सरकार की मिली भगत से, अधिकारी के मिली भगत से ये लोग फर्जी बैनामा करा लिए हैं लोग। और मैंने उस बैनामा के खिलाफ मैंने जहाँ जो नाव ये लोग चढ़वाए हैं इंतखाब में, 109 के रूल से ये लोग नाव चढ़े हैं, उसमें मैंने कायमी दाखिल किया। उस पर सर हमको स्टे दिए और डेट दिए 2 मार्च को, और अब बीच में बिना मार सुने हुए और मिली भगत उन ऊपर वाले माफिया, जमीन माफिया वालों को मिली भगत से हमारी स्टे हमारा। क्या नाम है जिन्होंने कब्जा किया है और किस तरीके से? अरे कब्जा की ये फलाने 10-15 लोग हैं, उसमें बड़े बड़े माफिया लोग हैं। किसका सहयोग है ग्राम सभा में? हमें ग्राम सभा ये मतलब प्रधान का सहयोग है, बिना प्रधान के कोई काम होता नहीं। हमारे पीपरपाती गांव में जो भी काम होता है बिना प्रधान के कोई काम होता नहीं है, और उनके पास पैसा है, भू माफिया एक नंबर के हैं। हम चाहते हैं हमारा जो स्टे अधिकारी जिस लेवल से ये तोड़ दिए हैं, बिना बहस के, बिना तारीख के अंदर ये तोड़ दिए हैं, ऐसा विश्वास न्यायालय पर से ख़त्म हो जाएगा। आने वाला दिन हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी को सजा दिया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।